Levora! Presto, 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 presto. अस्सलामु अलैकुम तैमूर खान, क्या हाल है? ठीक ठाक तैमूर भाई, किस तरह पे रुख तो है? टमाटर 1050 रुपए का बिक, माशाल्लाह टमाटर भी प्यारे हैं, 1050 रुपए का बिका है भाई, जबरदस्त। और ये स्वाद के टमाटर है, ये है दीर तलाश के टमाटर, और ये आज फरोख्त हुए तकरीबन 1700 से लेकर 3031 रुपए तक, 3000 तक तकरीबन, लगभग 3100 रुपए तक ये फरोख्त हुए है आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में। दीर और तलाश के टमाटर तकरीबन 17-18-19 किलो वजन के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद से, और इंशाल्लाह आज आपको अपडेट देंगे कि आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में ईरान, स्वाद, शमोदे, दीर, मलकंड, दरगई वगैरह के टमाटर किस तरह फरोख्त हुए हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। अजीजान इनम बार दुरगेशून हस्त, इन रुचिन बार हस्त, زیر چین بار هم دیگه ریستر از این داخلش نیست. شعار 9401 سورت بسته‌بندی انار رباب بار بلوک ساعت درجه 1 جهت صادرات به پاکستان. در خدمت دوستان عزیز است. باز کن. اون ندارم. با دست با کنم. ها با دست باز. بار عادی و درجه 1 در خدمت دوستان عزیز است. حاجی جان خوبی؟ سلامتی. امروز هم 6/9/401 این پیاز شیراز تو جالی قرمز، اینم پیاز بناب توی تورای جورابی، همش هم خشکه. حاجی ببین، بدونی یه توی کل لبای خواه یه دونه اینجوری داره، نگاه کن جلوت نشون میدم که ببین، یه دونه مثلا سبز کرده
بیام حالا یه هوا گر بوده چیز کل بار چیز این کل بار ریزش هم اینه टमाटर मार्केट खासा मंदा है और 500 और 550 रुपए का 5 किलो चल रहा है इस वक्त सब्जी मंडी इस्लामाबाद में। और ये सारे मामला ईरान की वजह से हुई है, ये ईरान के टमाटर लगे हैं और सारे के सारा ग्राउंड इसकी वजह से गीला है। और जाहिर है जब चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा तो डाउन हो जाता है रेट। तो यूँ मामला है कि आज भी अगर बेहतरीन टमाटर आप लेंगे तो 600-650 तक मिलेंगे, लेकिन आम नॉर्मल रेट इसका 550-550 चल रहा है। ये टमाटर भी कोई कमज़ोर नहीं है, अच्छे हैं लेकिन कम अच्छे और ज़्यादा ख़राब निकलते हैं इसमें। तो ये ईरान के टमाटर है जैसा कि आपको हम दिखाते हैं, और ये थोड़ी सी नरम होते हैं, इतने ख़ास सख्ती नहीं आती जिस तरह पाकिस्तानी टमाटर में होती है, वो चंद दिन गुजार सकते हैं, ये चंद दिन नहीं गुजार सकते बल्कि ख़राब हो जाते हैं अक्सर ज़्यादा देर बाद। और मार्केट में अगर यूं ईरान आता रहा तो मज़ीद रेट में कमी का इम्कान है। तो ये है पाकिस्तानी दरगे और इन इलाकों के टमाटर, ये काफ़ी 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 सख्त होते हैं उसके मुकाबले में, ये वक्त गुजार सकते हैं 2-4 दिन 5 दिन ये और रह सकते हैं, और वो ईरानी टमाटर जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हालत में होते हैं। तो हम आपसे ये बात शेयर कर रहे थे अगर यूँ होता रहा और ईरान मज़ीद आया तो रेट मज़ीद डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क के टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से टमाटर की हालत अबतर होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। به نام خدا، امروز هم 15/9/401 نعمت لالا جان، این گوجه برنتا، گوجه برنتا انشالله برای روز پنجشنبه اگه خدا زنده گذاشت یه معامله میخوام کنم از این گوجه انشالله. این گوجهش هست یه مزرعه سبز سبز نعمت. بسم الله الرحمن الرحیم، امروز 15/9/401 گرجی بذر گرده، برچسب خورده، کاغذ گراف، به خدمت آقای نورزهی به مقصد تفتان به امید خدا بارگیری میشه امروز. آقای نورزه، این باره که امروز انشالله میخواد برای تفتان بارگیری بشه، به لطف خدا و امید خداوند انشالله ساعت 4 شروع بارگیری میشه. آقا این نو بارشه، برچسب خورده، گرد، قشنگ، مرتب، تمیز و خوشگل. نوی 401 حاجی جان، یه گرجهش هست، ببین وضعیت گرجهش هست که هنوز سورت نشده، تو زمین چیدن هنوز سورت نشده. بیرم کشت سبز سبز ببین آجه، این گرجهش هست، گرجه سالم بدون. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. بنام خدا، امروزم 29401. آقا مرتضا جان، 29401 این نمونه انار با ضمانت حاجی، نگاه کن همونو بشکن. آقا مرتضا، این دونش یه هم نمونه انا،
80 रुपए किलो चेना का फ्रेश लहसुन, क्या बात है भाई, माशाल्लाह 280 रुपए किलो है थाईलैंड का स्पेशल अदरक, क्या बात है भाई। 50 रुपए किलो है स्पेशल वीआईपी टमाटर। 40 रुपए किलो है बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आलू, 40 रुपए किलो। और ये है 200 रुपए किलो ईरान और मिस्र के प्याज, क्या बात है भाई। सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो और वीआईपी लाल गाजर फैसलाबाद का 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो है लीमू देसी फ्रेश माल और ये है 80 रुपए किलो। 50 रुपए किलो 80 रुपए किलो चेना का फ्रेश लहसुन, क्या बात है भाई माशाल्लाह। 280 रुपए किलो है थाईलैंड का स्पेशल अदरक, क्या बात है भाई। 50 रुपए किलो है स्पेशल वीआईपी टमाटर। 40 रुपए किलो है बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आलू, 40 रुपए किलो। और ये है 200 रुपए किलो ईरान और मिस्र के प्याज, क्या बात है भाई। सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो और वीआईपी लाल गाजर फैसलाबाद का 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो है लीमू देसी फ्रेश माल और ये है 80 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। خدا 9401 بسته بندی خرمای زاهدی درجه 1 کیفیت عالی نمونه بار کیفیت بار هست با سلام. 8 دی ماه 1401 نارنجی پوستز به سایز دروش بار تازه چین بار تازه لوکس بار سورت بسته بندی میشه، ریز و شکسته و ترک خورده مگس خورده برداشته میشه، بار لوکسش زده میشه داخل این جعبه ها، بار کاملا ارگانیک سایز دروش کلا ریز و زیاد کله اینا برداشته میشه، بار لوکس سوپر بار علیکم
علیکم دوستو, آج ہے 30 دسمبر 2022 کے خوبصورت دن اور ہم موجود ہیں سبزی منڈی اسلام آباد میں. کیا ریٹ چل رہے یہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہم ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں سبزی منڈی اسلام آباد سے. یہ ہے مولیوں کے سٹال. مولی آج ہے 100 روپے گڑی اور ایک گڑی میں ہوتی ہے تقریباً 12 سے 13 مولیاں. اور آگے لگے ہے ساگ, تو سرسوں کا ساگ بھی 20 روپے گڑی ہے, پالک بھی 20 روپے گڑی ہے, باتو بھی 20 روپے گڑی ہے, پالاہوری پالک بھی 20 روپے گڑی ہے. شلجم ہے آج 100 سے لے کر 120 روپے کا 5 کلو, تقریباً 20 اور 30 روپے کلو. دھنیا ہے 15 اور 10 روپے گڑی. گول بینگن ہے 250 روپے دری, 50 روپے کلو. لیمو ہے آج 70 روپے کلو, تقریباً 150 اور 130 روپے کی 5 کلو مل رہے ہیں. اور ماڑو ہے 200 روپے دڑی, تقریباً 40 روپے کلو. ٹنڈا بھی اچھا 300 روپے دڑی ہے تقریباً, اور 300 روپے دڑی ہے مٹر. بہترین گاجر آج 200 روپے دڑی, 40 روپے کلو ہے. مٹر ہے آج 60 روپے کلو. مرچی ہے آج 300 روپے دڑی, 60 روپے کلو. یہ ہے 250 روپے دڑی اور 300 روپے دڑی, 60 روپے کلو. شملہ ہے 80 روپے کلو. پودینہ ہے آج 80 روپے درجن, 80 روپے کے 12 گڑیا. 60 روپے کلو ہے مرچی. 40 روپے کلو ہے آلو. پیاز ہے 1000 اور 1100 روپے دڑی, تقریباً 200-220 روپے کلو. 900 روپے دڑی ہے تاجکستان کے پیاز, یہ کچے پیاز ہے. 280 اور 300 روپے کا کلو ہے آج لہسن, اور 300-320 روپے کلو ہے تھائی لینڈ کے اسپیشل ادرک. اچھا یہ ہے ٹماٹر. ٹماٹر آج ہے 300 روپے دڑی وی آئی پی. عام ریٹ 250 روپے دڑی چل رہے, لیکن 300 روپے کی وی آئی پی ٹماٹر آپ کو ملے گی تقریباً 60 روپے کلو. تو بہت شکریہ میرے دوستو, امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی سید الکریم. آج ہے 29 دسمبر 2022, اور معلوم کریں گے کہ سال کے آخری دنوں میں سبزی منڈی اسلام آباد کے ریٹ کتنے ڈاؤن ہے, کتنے اوپر چلے گئے ہیں. تو میرے خیال سے آخری دنوں میں سبزیاں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے. بسم اللہ کریں گے اور آپ کو معلومات پہنچائیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو ہمارے پروموٹ کیجیے, اور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے. یہ ہے اسپیشل مٹر, اور 300 روپے دڑی ہے, 60 روپے کلو ہے. 60 روپے کلو ہے وی آئی پی مرچی. 80 روپے کلو ہے شملہ. یہ ہے 250 روپے دڑی, 50 روپے کلو. گول بینگن 50 روپے کلو ہے, 250 روپے دڑی. ٹنڈا ہے آج, کس طرح ہے ٹنڈا بھائی؟ 400 روپے دڑی ہے وی آئی پی ٹنڈا, 80 روپے کلو. 80 روپے کلو ہے شملہ. اور یہ ہے 50 روپے کلو اور 40 روپے کلو کیرا. 100 روپے کلو ہے ہلدی. 400 روپے کی دڑی ہے تقریباً, 80 روپے کلو فارم والی دیسی مرچ. گاجر آج 200 روپے دڑی ہے وی آئی پی گاجر. 100 روپے کلو ہے آئس برگ چینا سلاد. 300 روپے دڑی, 60 روپے کلو ہے دیسی چکندر. فریش دھنیا 10 سے 15 روپے گڑی. 900 روپے دڑی تاجکستان کے پیاز. مصر کے پیاز ہے آج 1000 روپے دڑی وی آئی پی. 200 روپے دڑی لال آلو, انار آلو. بہترین آلو آج 180 اور 200 روپے دڑی ہے تقریباً, 40 روپے اور 30 روپے کلو. اور پیاز آج 1000 روپے دڑی ہے تقریباً, 200 روپے کلو ہے. اور سفید پیاز 900 روپے دڑی ہے. ٹنڈا آج مختلف ریٹوں پر بک رہے, 200 بھی بک رہے اور 400 بھی بک رہا ہے. 80 روپے کلو بھی ہے اور 40 روپے کلو بھی ہے. مٹر آج 300 روپے دڑی ہے, 60 روپے کلو, بہترین ٹاپ کلاس کے. باقی نارمل 200 بھی ہے, 250 بھی ہے. گاجر تو آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے 150 اور 200 چل ہی رہا ہے. اور بہترین پلیا 250 روپے دڑی ہے. شملہ تو کئی دنوں سے تقریباً 80 روپے کلو بک رہا ہے. شلجم 100 بھی ہے, 150 بھی ہے. جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اسی حساب سے شلجم بھی بکتے ہیں. 20 روپے کلو بھی ہے, 30 روپے کلو بھی بک رہا ہے. ₹40,000.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 27 दिसंबर 2022 और साल के आखिरी दिन है। देखते हैं कि सब्जी मंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चीज़ों को क्या रेट चल रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने रहे का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर पेज पर नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सामने पड़े हैं गोल बैंगन और ये है 250 रुपये दड़ी और 50 रुपये किलो। इसके साथ बिल्कुल नज़दीक पड़े हैं करेले। करेले महंगे हैं, 500 रुपये दड़ी, 100 रुपये किलो है। और इसके साथ है देसी मिर्च अचार वाला और तकरीबन 350 और 400 रुपये दड़ी है और 80 रुपये किलो है। मटर पड़े हैं बेहतरीन मटर, आज 300 रुपये दड़ी है और 60 रुपये किलो। टिंडे आज महंगे हैं, 400 रुपये दड़ी है और 80 रुपये किलो है। और इसके साथ साथ भिंडियाँ लगी है, दो किस्म की आ रही है। एक है 1000 रुपये दड़ी कराची वाली भिंडी है, 1200 रुपये दड़ी, तकरीबन 230 रुपये किलो के हिसाब से भिंडियाँ मिल रही है। भिंडी नायाब है और बाहर से मंगानी पड़ी, यानी कराची वगैरह से आ रही है। इसके साथ तूरी लगी है, तूरी है 100 रुपये किलो, तकरीबन 500 रुपये दड़ी। और ये है फ्रेश बीन और ये भी तकरीबन 250 से लेकर 300 रुपये दड़ी बिक रही है आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, 70 रुपये और 80 रुपये किलो है। मूली के बड़े स्टालों की तरफ आए तो ये जो सामने लगी है देसी मूली है और ये 100 रुपये की गिड़ी है, पर गिड़ी में होते हैं 5 या 6 मूलियाँ। और इसके साथ लगे हैं सफ़ेद मूली, वो सस्ती है, 100 रुपये गिड़ी है और उसमें तकरीबन 10-12 होती है। ये देसी मूलियाँ हैं, देसी मूली मीठी होती है पंजाब की, तो ये इस वजह से महंगी है। और तकरीबन शलजम है 100 रुपये दड़ी, आज लगभग 20 रुपये किलो मिल रही है ये चीज़ें सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। आगे बढ़ते और आपको मज़ीद अपडेट देते हैं। ये महीने की आखिरी तारीख है और साल की भी आखिरी तारीख है, जिसकी वजह से चीज़ें खासी सस्ती है, तो आप आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। सर्दी है, 80 रुपये किलो है शिमला और 60 रुपये किलो है लीमू और 40 रुपये किलो है बेहतरीन गाजर। 280 रुपये किलो है चाइना लहसुन, 320 और 30 रुपये किलो है, ये महंगे हो गए 20-30 रुपये आज, थाईलैंड के अदरक। 60 रुपये किलो है चकंदर, 60 रुपये की 12 गिड़िया है पुदीना, सलाद पत्ती भी 60 रुपये की 12 गिड़िया। 900 रुपये दड़ी है ताजिकिस्तान के सफ़ेद प्याज, 150 रुपये किलो है ब्रोकली, 100 रुपये किलो है आइसबर्ग, 20 रुपये किलो है बंद गोभी। अच्छा, ये है लक्कड़ गाजर, 500 रुपये दड़ी। इसके साथ लगा है लाल शकरकंदी, 500 रुपये दड़ी, 100 रुपये किलो। और नूक वाला कांटो वाले है ये, और इसका रेट क्या है भाई? 150 रुपये किलो है। ओरिजिनल देसी सिंगाड़ा, 500 रुपये दड़ी, 100 रुपये किलो आपको मिलेगा सलाद के लिए। लाल गोभी इधर सस्ता है भाई, उधर महंगा है। अच्छा, 300 रुपये और 350 रुपये दड़ी, अगर आप बिल्कुल स्पेशल माल डालेंगे ऐसे तो ये भाई ये 350 आपको मिलेगा। बाकी मैक्सिमम और मिक्स छोटा मोटा कच्चा पक्का आपको 300 रुपये दड़ी, 250 का भी मिलेगा, लेकिन 300 का आम रेट चल रहा है। अच्छा, 60 रुपये देसी पुदीना, 150 रुपये का दर्जन 12 गिड़िया आपको लाल मूली मिलेगी और 60 रुपये की दर्जन आपको मिलेगा फ्रेश सलाद। माशाल्लाह, बातू तकरीबन 100 रुपये गिड़ी है, 20 रुपये की छोटी सी गिड़ी मिलेगी आपको। बातू साग में डाली जाती है, इतनी बड़ी गिड़ी 100 की है, जिसके अंदर 5 छोटी छोटी गिड़ियाँ बनी होती है।
तो ये है सब्जी मंडी इस्लामाबाद और आपको आगे बढ़ के अपडेट मजीद देते हैं। मटर बेहतरीन 300 रुपए दड़ी और बाकी 250-200 रुपए दड़ी भी बिक रही है। माड़ू 40 रुपए किलो, अच्छे गाजर 200 रुपए और बाकी अगर आप रेट करें तो 150 की भी मिल जाते हैं, 100 की भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल टॉप क्लास के लेंगे तो 200 रुपए दड़ी 40 रुपए किलो। यह है बनगोभी और सबसे सस्ता 20 रुपए किलो, अच्छा कीरा 40 रुपए और 30 रुपए किलो है भाई। ये है मिस्र के प्याज और 900 और 1000 रुपए दड़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये है लक्कड़ गाजर 500 रुपए दड़ी, इसके साथ लगा है लाल शक्करकंदी 500 रुपए दड़ी 100 रुपए किलो और नूक वाला कांटो वाले है ये, और इसका रेट क्या है भाई? 150 रुपए किलो है। ओरिजिनल देसी सिंगाड़ा 500 रुपए दड़ी 100 रुपए किलो आपको मिलेगा। सलाद के लिए लाल गोभी, इधर सस्ता है भाई उधर महंगा है। अच्छा 300 रुपए और 350 रुपए दड़ी अगर आप बिल्कुल स्पेशल माल डालेंगे ऐसे, तो ये भाई ये 350 आपको मिलेगा। बाकी मैक्सिमम और मिक्स छोटा मोटा कच्चा पक्का आपको 300 रुपए दड़ी, 250 का भी मिलेगा लेकिन 300 का आम रेट चल रहा है। अच्छा 60 रुपए देसी पुदीना, 150 रुपए का दर्जन 12 गिड़िया आपको लाल मूली मिलेगी और 60 रुपए की दर्जन आपको मिलेगा फ्रेश सलाद माशाल्लाह। बातू तकरीबन 100 रुपए गिड़ी है, 20 रुपए की छोटी सी गिड़ी मिलेगी आपको। बातू साग में डाली जाती है, इतनी बड़ी गिड़ी 100 की है जिसके अंदर 5 छोटी छोटी गिड़ियाँ बनी होती है। तो ये है सब्जी मंडी इस्लामाबाद और आपको आगे बढ़ के अपडेट मजीद देते हैं। मटर बेहतरीन 300 रुपए दड़ी और बाकी 250-200 रुपए दड़ी भी बिक रही है। माड़ू 40 रुपए किलो, अच्छे गाजर 200 रुपए और बाकी अगर आप रेट करें तो 150 की भी मिल जाते हैं, 100 की भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल टॉप क्लास के लेंगे तो 200 रुपए दड़ी 40 रुपए किलो। ये है बनगोभी और सबसे सस्ता 20 रुपए किलो, अच्छा कीरा 40 रुपए और 30 रुपए किलो है भाई। ये है मिस्र के प्याज और 900-1000 रुपए दड़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर पेज पर नए हो तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सामने पड़े हैं गोल बैंगन और ये है 250 रुपए दड़ी और 50 रुपए किलो। इसके साथ बिल्कुल नज़दीक पड़े हैं करेले, करेले महंगे हैं 500 रुपए दड़ी 100 रुपए किलो है। और इसके साथ है देसी मिर्च अचार वाला और तकरीबन 350 और 400 रुपए दड़ी है और 80 रुपए किलो है। मटर पड़े हैं बेहतरीन मटर, आज 300 रुपए दड़ी है और 60 रुपए किलो। टिंडे आज महंगे हैं, 400 रुपए दड़ी है और 80 रुपए किलो है। और इसके साथ साथ भिंडियाँ लगी है, दो किस्म की आ रही है, एक है 1000 रुपए दड़ी कराची वाली भिंडी है, 1200 रुपए दड़ी तकरीबन 230 रुपए किलो के हिसाब से भिंडियाँ मिल रही है। भिंडी नायाब है और बाहर से मंगानी पड़ी, यानी कराची वगैरह से आ रही है। इसके साथ तूरी लगी है, तूरी है 100 रुपए किलो तकरीबन 500 रुपए दड़ी। और ये है फ्रेश बीन और ये भी तकरीबन 250 से लेकर 300 रुपए दड़ी बिक रही है आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में, 70 रुपए और 80 रुपए किलो है। मूली की बड़े स्टालों की तरफ आए तो ये जो सामने लगी है देसी मूली है और ये 100 रुपए की गिड़ी है, पर गिड़ी में होते हैं 5 या 6 मूलियाँ। और इसके साथ लगे हैं सफ़ेद मूली, वो सस्ती है, 100 रुपए गिड़ी है और उसमें तकरीबन 10-12 होती है। ये देसी मूलियाँ है, देसी मूली मीठी होती है पंजाब की, तो इस वजह से महंगी है। और तकरीबन शलजम है 100 रुपए दड़ी, आज लगभग 20 रुपए किलो मिल रही है ये चीज़ें सब्जी मंडी इस्लामाबाद में। आगे बढ़ते और आपको मज़ीद अपडेट देते हैं। ये महीने की आखिरी तारीख है और साल की भी आखिरी तारीख है, जिसकी वजह से चीज़ें खासी सस्ती है, तो आप आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। सर्दी है, 80 रुपए किलो है शिमला और 60 रुपए किलो है लीमू और 40 रुपए किलो है बेहतरीन गाजर, 280 रुपए किलो है चाइना लहसुन, 320 और 30 रुपए किलो है, ये महंगे हो गए 20-30 रुपए आज, थाईलैंड की अदरक, 60 रुपए किलो है चकंदर, 60 रुपए की 12 गिड़िया है पुदीना, सलाद पत्ती भी 60 रुपए की 12 गिड़िया, 900 रुपए दड़ी है ताजिकिस्तान के सफ़ेद प्याज,
150 रुपए किलो है ब्रोकली, 100 रुपए किलो है आइसबर्ग, 20 रुपए किलो है बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये है सब्जी मंडी इस्लामाबाद और आपका दोस्त आपका भाई लियाकत अली हिज्जाजी इस वक्त आपसे मुखातिब है। 24 दिसंबर 2022 के खूबसूरत दिन है और आपको बताएंगे कि आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में क्या रेट चल रही है। आपको पता है हमारा मुल्क बहरानों में गिरा है और काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो इस महंगाई के दौर में दुकानदार हजरात भी लोगों को लूटने की फिक्र में लगे रहते हैं। लिहाजा वीडियो सिर्फ मफादयामा के लिए रिलीज़ की जा रही है, किसी का नुकसान और दिलाजारी मकसूद नहीं। मतलब यही है कि लोगों तक उनके घरों तक रेट पहुँचाया जाए कि मंडी में आकर ख़रीदारी कर लो, और अगर आपके नज़दीक भी मिल रही है तो चले आदमी बहस तो कर सके। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर दीजिए, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है नया आलू, पंजाब का बेहतरीन आलू, और ये मिलेगा आपको 200 रुपए दड़ी, 40 रुपए किलो। बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है ताजिकिस्तान के प्याज, और प्याज चूंकि आपको पता है मुल्क में नायाब है और अभी शायद 20-25 दिनों में रेट डाउन हो जाए, तो ये आपको आज मिलेगा 900 रुपए दड़ी, तकरीबन 180 रुपए किलो। साथ और भी नया आलू पड़ा है बहुत खूबसूरत साइज में, और ये है तकरीबन आज मिलेगा आपको 200 रुपए दड़ी। और साथ लगा है मिस्र का प्याज, 1000 रुपए की दड़ी है, तकरीबन 200 रुपए किलो। 60 रुपए किलो है माशाल्लाह लीमू, गोभी के ढेर लगे हैं और आज गोभी 100 रुपए की दड़ी बिक रही है, 20 रुपए किलो। टमाटर 350 रुपए दड़ी है आज, टमाटर आज महंगा है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत टमाटर है माशाल्लाह। हाँ, आज कल से रेट 50 रुपए सब्जी मंडी इस्लामाबाद में ऊपर है, कहीं कहीं 400 की भी बिक रहे हैं। 350 रुपए दड़ी है देसी मिर्च, 70 रुपए किलो, आज ये भी सस्ता है भाई। 200 रुपए दड़ी है फैसलाबाद की लाल बेहतरीन गाजर, और 200 रुपए दड़ी है फैसलाबाद का अच्छा कीरा। चैना प्याज ये सामने है, और ये 1000 रुपए दड़ी, 200 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो 200 रुपए दड़ी है बेहतरीन पलियां। माड़ू भी 200 रुपए दड़ी, 40 रुपए किलो, और कीरा भी 200 रुपए दड़ी, 40 रुपए किलो। 350 रुपए दड़ी है शिमला, 70 रुपए किलो। काला करेला देसी 600 रुपए दड़ी है, तकरीबन 120 रुपए किलो। और टिंडा किसने का भाई, 300 रुपए दड़ी, 60 रुपए किलो है, अच्छा वाला चमकदार टिंडा। और गोल बैंगन 300 रुपए दड़ी, 60 रुपए किलो है, अच्छा वाला गोल बैंगन माशाल्लाह। खीरा 200 रुपए दड़ी है, 40 रुपए किलो। यहाँ भी 600 रुपए दड़ी है काला करेला, बिल्कुल टॉप क्लास का माशाल्लाह। अच्छा, 100 से लेकर 150 रुपए दड़ी है ये आपके सामने बंद गोभी, 300 रुपए दड़ी है अच्छा वाला गोल बैंगन, 60 रुपए किलो। और टिंडा है आज ये वाला चमकदार टिंडा, 400 रुपए दड़ी है, तकरीबन 80 रुपए किलो। अरवी भी 400 रुपए दड़ी है, तकरीबन 80 रुपए किलो। माशाल्लाह गाजर देखिए और खूबसूरती देखिए और रेट देखिए तो 60 रुपए किलो है, और ये यहाँ बेहतरीन गाजर तकरीबन 50 रुपए किलो आपको मिल रही है। माशाल्लाह कराची की भिंडी है ये, और 1000 रुपए दड़ी है भिंडी, आपको पता है नायाब है भिंडी, मिल नहीं रही, 200 रुपए किलो। कच्ची हल्दी आपको मिलेगी सब्जी मंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 100 रुपए किलो। सिंगाड़ा के कुछ दिन होते हैं ये नायाब होता जा रहा है, और आज इसका रेट है तकरीबन ब्लैक सिंगाड़ा है और स्टोर वाला 100 रुपए किलो है भाई, 600 रुपए दड़ी है, 120 रुपए किलो। चकंदर और देसी चकंदर आप देखिए माशाल्लाह, तो ये आपको आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में 300 रुपए की दड़ी मिलेगी, इसकी लाली देखिए। 100 रुपए किलो आपको शकरकंदी मिलेगी। आइसबर्ग 100 रुपए किलो है। ब्रोकली सब्जी मंडी इस्लामाबाद में सस्ते और तकरीबन 150 रुपए किलो आपको ब्रोकली मिलेगी। धनिया 20 रुपए की गिड़ी, अच्छी धनिया। लक्कड़ गाजर 1000 रुपए दड़ी है और 200 रुपए किलो। ये है सफेद शकरकंदी, और इसका रेट भी 100 रुपए किलो है, और बिल्कुल साथ सिंगाड़ा पड़ा है, और सिंगाड़े का रेट तो आपको पता है 100 रुपए ऑलरेडी चल रही है भाई। शलजम 150 रुपए दड़ी है, 30 रुपए किलो। 300 रुपए दड़ी है अच्छा वाला गोल बैंगन यहाँ, और 350 रुपए, 70 रुपए किलो, बिल्कुल जबरदस्त शिमला आज सस्ता है 50 रुपए किलो। 300 रुपए दड़ी है चमकदार करेला। 500 रुपए दड़ी यानी के 100 रुपए किलो आपको तूरी मिलेगी फार्म की। 40 रुपए किलो है माड़ू, और 60 रुपए किलो है अच्छा वाला कद्दू। मिर्ची है 300 रुपए दड़ी, 60 रुपए किलो, अच्छी वाली मिर्ची। आप नोट कर रहे हैं कि एक सब्जी दो सब्जी नहीं बल्कि सारी सब्जियों के रेट शुक्र डाउन है, सिवाय टमाटर के उसका रेट आज 30-40 रुपए ऊपर है। अच्छा चलो, 300 रुपए दड़ी है वही आज, 60 रुपए किलो है टमाटर।
VIP और ये है खाली 40 रुपए किलो, और ये है 50 रुपए किलो आपको मिलेगा पलिया। फूल गोभी 200 रुपए दड़ी है, धनिया 20 रुपए की गिड़ी, ये वाला सरसों 20, पालक 20, 300 रुपए दड़ी है, मटर 60 रुपए किलो, और बेहतरीन आलू 200 रुपए दड़ी 40 रुपए किलो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना राय का इजहार कीजिए। यही कुछ सब्जियां थी जिसके रेट हमने आपके साथ शेयर की है। रजा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, बल्कि फ्रूट की वीडियो के साथ सुबह हाजिर होंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 60 रुपए किलो बेहतरीन टमाटर, सैलुली 200 रुपए किलो, आइसबर्ग 100 रुपए किलो, चेना गोभी 100 रुपए किलो, ब्रोकली माशाल्लाह 150 रुपए किलो, बख्शू 200 रुपए किलो, ये है शिमला रंगारंग और 800 रुपए किलो वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाम अला सैयदिल करीम। आज है 29 दिसंबर 2022 और मालूम करेंगे कि साल के आखिरी दिनों में सब्जी मंडी इस्लामाबाद के रेट कितने डाउन है, कितने ऊपर चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से आखिरी दिनों में सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। बिस्मिल्लाह करेंगे और आपको मालूमात पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को हमारे प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यह है स्पेशल मटर और 300 रुपये दड़ी है, 60 रुपये किलो है, 60 रुपए किलो है वीआईपी मिर्ची, 80 रुपए किलो है शिमला, ये है 250 रुपए दड़ी, 50 रुपए किलो, गोल बैंगन 50 रुपए किलो है, 250 रुपए दड़ी, टिंडा है आज किस तरह है टिंडा भाई, 400 रुपए दड़ी है वीआईपी टिंडा, 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है शिमला, और ये है 50 रुपए किलो और 40 रुपए किलो कीरा, 100 रुपए किलो है हल्दी, 400 रुपए की दड़ी है तकरीबन 80 रुपए किलो फार्म वाली देसी मिर्च, गाजर आज 200 रुपए दड़ी है वीआईपी गाजर, 100 रुपए किलो है आइसबर्ग, चेना सलाद 300 रुपए दड़ी, 60 रुपए किलो है देसी चकंदर, फ्रेश धनिया 10 से 15 रुपए गिड़ी, 900 रुपए दड़ी ताजिकिस्तान के प्याज, मिस्र के प्याज है आज 1000 रुपए दड़ी वीआईपी, 200 रुपए दड़ी लाल आलू अनार आलू बेहतरीन आलू आज 180 और 200 रुपए दड़ी है तकरीबन 40 रुपए और 30 रुपए किलो, और प्याज आज 1000 रुपए दड़ी है तकरीबन 200 रुपए किलो है, और सफ़ेद प्याज 900 रुपए दड़ी है, टिंडा आज मुख्तलिफ रेटों पर बिक रहे, 200 भी बिक रहे और 400 भी बिक रहा है, 80 रुपए किलो भी है और 40 रुपए किलो भी है, मटर आज 300 रुपए दड़ी है, 60 रुपए किलो बेहतरीन टॉप क्लास के, बाकी नॉर्मल 200 भी है, 250 भी है, गाजर तो आपको पता है कई दिनों से 150 और 200 चल ही रहा है, और बेहतरीन पलिया 250 रुपए दड़ी है, शिमला तो कई दिनों से तकरीबन 80 रुपए किलो बिक रहा है, शलजम 100 भी है, 150 भी है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसी हिसाब से शलजम भी बिकते हैं, 20 रुपए किलो भी है, 30 रुपए किलो भी बिक रहा है, 50 और 60 रुपए किलो है बेहतरीन टमाटर तकरीबन 300 रुपए दड़ी बिक रहा है, अच्छे टमाटर, बाकी नॉर्मल 200 भी है, 250 भी है, 100 रुपए दड़ी है और 150 भी बिक रही है, लेकिन यही सबसे सस्ती आइटम है मंडी में शलजम, 250 रुपए दड़ी बेहतरीन गोल बैंगन, और ये है गाजर जो कि सबसे सस्ता है और 150 से लेकर 200 रुपए दड़ी है, इधर भी 100 रुपए की गिड़ी है जिसमें दड़ी है, मूली है 100 रुपए की गिड़ी 12-13 मूलियाँ, बन गोभी 100 रुपए की दड़ी है तकरीबन 20 रुपए किलो है, ये चंद चीज़ें तो बिल्कुल पक्की 20-20 रुपए किलो 30-30 रुपए किलो है, लिहाजा मतलब ये है कि चीज़ें काफ़ी सस्ती है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुदीना है 60 रुपए का 12 गिड़िया, सलाद पत्ती 60 रुपए की 12 गिड़िया, हर किस्म का साग 20-20 रुपए की गिड़ी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के सामने भी मशहूर कर दीजिए, आपकी मोहब्बत होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।